बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम वेब इंजीनियरिंग के कोर्स के साथ आज फिर मौजूद हैं। आज हमने जो है HTML हमने स्टार्ट की हुई थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमने स्टार्ट की हुई है, और इसके अंदर हम जो है वो ऑलरेडी जो है वो दो से तीन टैग्स देख चुके थे, जिसके अंदर हमने जो है वो HTML का टैग को देखा था, फिर हमने हेड के टैग की तरफ देखा था, फिर हमने देखा था कि टाइटल कैसे लगाया जा सकता है, टाइटल का टैग, फिर हमने बॉडी के टैग के अंदर देखा था किस तरह से जो है वो हेडिंग्स लग सकती हैं, और डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स भी हमने देखी थी कि H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। हम छह किस्म के अलग हेडिंग्स, ये तो सारी H1 मौजूद है हमारे पास, हमने H2, H3, H4, H5, H6 भी लगाकर देखी थी। आज हम जो है वो पैराग्राफ वाली जो टैग है हमारा, इसे कहते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये जो P के नाम से पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ वाली हेडिंग इंशाल्लाह हम कवर अप करके देखेंगे ये, और इसके साथ जो है वो पैराग्राफ वाला टैग, और उसके साथ हम उन जो हमारे पास हेडिंग्स है या पैराग्राफ्स है उनके अंदर हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं, नई फाइल हमेशा जब भी आपने क्रिएट करनी है, फाइल में जाकर न्यू करेंगे, एक नई फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। कोडिंग करने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सेव करेंगे ताकि वो HTML की कोडिंग के साथ इसकी एग्जीक्यूशन भी हमारे सामने नजर आए। तो हम देखते हैं, लाइक हमारे पास ऑलरेडी टैग मौजूद है, ये हमारे पास HTML का टैग था, तो इसके अंदर हम नया पैराग्राफ का टैग जो है वो एंटर करके सिर्फ आपको दिखाते हैं। लाइक हमारे पास ये एक पैराग्राफ का टैग मैंने लगाया हुआ है, लाइक ये एक पैराग्राफ का टैग है, इसे मैं यहां पर कॉपी करके नए वाले टैग में आपको लगा के दिखाता हूं। आप ऑब्वियसली इस पैराग्राफ के टैग को डायरेक्टली तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसके साथ ऑब्वियसली हमें HTML का टैग, बॉडी का टैग लगाना पड़ेगा, वो टैग हम कॉपी करके लगाते हैं। लाइक मैं आपको ना एक पूरे का पूरा जो है वो एक पूरे का पूरा कॉपी करके उसके बाद इसे बताता हूं कि क्या चीजें हैं, इसे आप इग्नोर करें। ये देखिए हमारे पास ये सारे का सारा जो है वो HTML का कोड आ गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास HTML का टैग भी मौजूद है, हेड का टैग मौजूद है, टाइटल का टैग मौजूद है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नया टैग जो आपके पास मौजूद हो रहा है वो हमारे पास कुछ नए टैग हैं, लाइक इसमें हम देखें तो ये हमारे पास जी पैराग्राफ का टैग है, ये देखिए ये टैग हमने नया जो है वो इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैराग्राफ का जो है वो हमारे पास टैग मौजूद है। ये पैराग्राफ का टैग जो है वो हमने इस्तेमाल किया, ये पैराग्राफ का टैग कंप्लीट हुआ, यानी कि आपने कोई भी चीज पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है तो आपने उसके दोनों तरफ पी का टैग स्टार्ट भी करना और पी का टैग जो है वो आपने एंड भी करना है। कुछ चीजें आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पैराग्राफ का टैग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसके अंदर स्टाइलिंग का टैग जो है वो हमारे पास कहां से इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए आपने HTML का टैग शुरू किया था, HTML का टैग अभी तक हमारे पास खत्म नहीं हुआ हुआ, हेड का टैग हमने स्टार्ट किया, हेड का टैग हमारे पास एंड है, बॉडी का टैग अगर हमने शुरू किया है तो बॉडी का टैग भी हम जो है वो एट द एंड अभी खत्म हम नहीं किया हुआ, तो हम बॉडी का टैग भी खत्म करेंगे और HTML का टैग भी जो है वो खत्म करेंगे। ये दो टैग अगर हम खत्म कर दें तो फिर हमारे पास कोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने HTML का टैग भी कंप्लीट किया और बॉडी का टैग भी जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आप फर्ज करें ये सारे का सारा टैग हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये सारा पैराग्राफ हमारे पास, इसको सेव कैसे करते हैं, हमेशा कंट्रोल एस दबा के, या हमारे पास कंट्रोल एस दबाकर, या हम फाइल में जाकर इसे सेव एस की ऑप्शन में लेकर जाकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये कंट्रोल एस मैंने प्रेस किया, यहां पे इसे नाम दूसरा दे दें, लाइक हम प्रैक्टिस का नाम देते हैं कि हमने प्रैक्टिस की है जी, ठीक है। और .html की एक्सटेंशन लाजमी लगाते हैं, .html की एक्सटेंशन से आप इसे सेव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको नीचे जाकर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसको सेव करते हैं, यानी कि सेव एज टाइप ऑफ
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक हो गया। अब ये देखिए आपके पास जो है वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा और ये इसका एक जनरेट हो जाएगा, ये प्रैक्टिस के नाम से आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया। अब जैसे ही आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये आपको इंप्लीमेंट करने से पहले बता दूं कि ये चीजें क्या क्या हैं, दोबारा एक दफा रिवीजन बता दूं। ये देखिए एचटीएमएल का टैग शुरू हुआ है, उसके अंदर हमने हेड के टैग के अंदर एक टाइटल लगाया कमर इकबाल के नाम से, फिर हमने आपको बता दूं कि कैसे जनाब पैराग्राफ का टाइटल था उसमें क्या होता है क्या नहीं। देखिए ये जो आपने पैराग्राफ का टाइटल लगाया हुआ है इसको इस फिलहाल इसको इग्नोर करें ताकि इसमें स्टाइल बाद में बताता हूँ। हेडिंग्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये देखिए ये पैराग्राफ का टैग लगा हुआ हमारे पास, ये पैराग्राफ का जो हमारे पास टैग लगा हुआ है उस टैग को हमने एट दी एंड क्लोज भी किया है। अब दिस पैराग्राफ कंटेन, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ये देखिए दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट, यानी कि वो मैंने पैराग्राफ में लिखी है लाइन है कि आपको समझ आई, ये देखिए ये स्पेस नजर आ रही है आपको, यहां मैंने स्पेस दी, लेकिन जब आप इसे इंप्लीमेंट करके इस कोड को इंप्लीमेंट करके देखेंगे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये स्पेस बीच में नहीं आएगी, ये स्पेस बीच में नहीं आएगी। इसी तरीके के साथ एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, ये पी का मैंने पैराग्राफ शुरू किया और इसमें स्टाइल वाले को भी आप इग्नोर करें ये लाइन को, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं क्या है। ये देखिए आपने ये पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट किया है और उसके बाद ये देखिए दिस पैराग्राफ कंटेन्स, ये देखिए ये पैराग्राफ कितनी ज्यादा लाइनों में, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी ज्यादा लाइनों में आया, लेकिन इसे तरतीब के साथ एक ही लाइन के अंदर पैराग्राफ, अगर तो नेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी तभी वो शुरू करेगा, नहीं तो एक तरतीब के साथ से लिखेगा, ठीक है जी, यानी कि लाइन्स को वो इग्नोर करके एक तरतीब के साथ लिखते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो है हमारे पास कलर, यानी कि हमने क्या किया इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आती है स्टाइलिंग की, लाइक देखिए हमने कोई पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टाइल किया, लाइक मैंने जो पी का टैग था ना उसे स्टार्ट करने के बाद उसी पी के टैग के अंदर ओपन ओपनिंग जो टैग है उस टैग के अंदर ये लगाएंगे स्टाइल, स्टाइल लिख के एज इट इज हम डबल कोटेशन स्टार्ट करके कलर डबल डॉट के साथ हम क्या लिखेंगे ग्रीन, यानी कि जो कलर हमने इस पैराग्राफ का करना है वो हमने कलर लिख के सेमी कॉलन से एंड करके डबल कोटेशन खत्म करेंगे और ये पी का टैग हमारा कंप्लीट देगा। याद रखें ये ओपनिंग टैग के अंदर आपने स्टाइल लगाना है, आप इसका कलर ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है जी, यहां पर कोई भी कलर आप कर सकते हैं, लाइक मैंने इधर ग्रीन किया है। इस तरह से आप पैराग्राफ को ना सिर्फ स्टाइलिंग कर सकते हैं बल्कि आप जो है वो पैराग्राफ की स्टाइलिंग के साथ साथ आप जो है वो इसकी हेडिंग की स्टाइलिंग भी करते हैं, हेडिंग के अंदर भी आप जो है वो, जैसा मैंने देखिए H1 का स्टाइल मैंने लगाया, अब ये सेम एज स्टाइल लिखे कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर ले, इसके अंदर ये ग्रीन है मैं इसको देखें ब्लू कर देता हूं, इधर मैं लिख लेता हूं जी मेरे पास आ गया ब्लू कलर, ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास हेडिंग वन आएगी जिसके अंदर मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है एच वन वाली जो हेडिंग है मेरे पास वो किस में आ जाएगी, जैसे यहां पे एमएससी टू लिखा हुआ है, ये जो एमएससी टू है ये मेरे पास ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से किसी भी पैराग्राफ को आप स्टाइलिंग दे सकते हैं, किसी भी हेडिंग को जो है वो आप स्टाइलिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा जो एच वन की हेडिंग है उसका ब्लू कलर होगी, यानी कि जो आपके पास हेडिंग पहली है जो एमएससी टू लिखा ब्लू कलर का लिखा होगा, बाकी में हमने कोई स्टाइलिंग दिया तो वो एज इट इज लिखे जाएंगे। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि पैराग्राफ में जो स्पेस है ये भी इग्नोर करेगा, यानी कि जो इतनी ज्यादा लाइनें हैं वो भी इग्नोर करेगा, और जो ये वाला पैराग्राफ है इसके कलर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा ग्रीन, और इस पैराग्राफ का सेम वही कलर रहेगा कि हमने कोई इसमें स्टाइलिंग नहीं की हुई, इसमें हमने कोई स्टाइलिंग नहीं की हुई। अब जनाब हमने ये जब सेव कर लिया था तो ये देखें ये प्रैक्टिस के नाम से हमने सेव किया था, ये हमारे पास आ गया ब्राउजर जनरेट होकर, इसे जब हम ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो टाइटल था कमर इकबाल के नाम से था, फिर हमने पहला पैराग्राफ जो था उसको हमने ग्रीन कलर दे दिया था, तो ये देखिए ये ग्रीन कलर हो गया है, ये जो पहली हेडिंग थी हमने इसको ग्रीन कलर दिया हुआ था ये ग्रीन कलर हो गया था, इसे हमने सेव नहीं किया था चेंजिंग करने के बाद, अब जब हमने ब्लू किया देखिए जब हमने इसे ब्लू किया था हमने इसको सेव नहीं किया था, आप जब यहां पर आके कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो मेरे पास सेव हो गया जो मैंने चेंजिंग की थी। अब ये देखिए मैं इस कोड को दोबारा, ये देखिए जब मैंने इसे दोबारा चेंजिंग सेव की तो ये देखिए एमएससी टू का कलर क्या हो गया मेरे पास ब्लू हो गया, एमएससी टू का कलर क्या हो गया मेरे पास ब्लू हो गया, मैंने दोबारा रिफ्रेश किया था एमएससी टू का कलर मेरे पास ब्लू हो गया, यानी कि जो जिस किस्म की आप स्टाइलिंग चाहते हैं आप स्टाइल भी
दे सकते हैं. लाइक अब मैं जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि इसका जो ब्लू कलर है इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट करता हूँ. ये देखिए यहाँ पे हम ये जहां ब्लू कलर था मैंने क्या कर दिया इसे, मैंने यहां पर इसका कलर रेड कर दिया. ठीक हो गया जी, ये रेड हो गया. अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा ताकि ये सेव हो जाए जो मैंने चेंजिंग की है. अब ब्राउजर में जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूं मैं इस ब्राउजर को, तो अभी इसका कलर रेड नहीं हुआ. मैं चेक करता हूं दोबारा इसके बोर्ड में क्या इशू है. ओहो रेड की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिए थे. ये देखिए ये ओहो ये हमने रेड कर दिया. अब इसे कलर स्पेलिंग ठीक है, इसे कंट्रोल एस करते हैं. अब देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए ये आपकी हेडिंग का कलर जो है वो कलर बिल्कुल चेंज हो गया. इस तरह से हम किसी भी हेडिंग के उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसका साइज कम कर सकते हैं. साइज कम कैसे बढ़ाते हैं ये भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और इसके अलावा जो ओवरऑल बैकग्राउंड का कलर है वो कैसे चेंज करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप बताएंगे. तो हमने दो चीजें नई सीखी थी इस लेक्चर में कि कैसे पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हैं और पैराग्राफ के अंदर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, आपके पास कोई हेडिंग है उसकी स्टाइलिंग कैसे चेंज करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज किया जाता है, जो जो चीज आपने करना है. फाइल को दोबारा मैंने बता दिया रिवाइज करके कैसे सेव करना है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करवाना है. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरीके के साथ मजीद नई चीजों को